गुड मॉर्निंग मैम एवरीवन, वीडियो गुड ऑन है। मैम मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? गुड गुड मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग आई एम फाइन मैम, व्हाट अबाउट यू? मैम, व्हाट अबाउट यू? आई एम ऑल्सो फाइन एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। दिस चैप्टर इज अबाउट द की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में कौन कौन सी चीजें होती हैं, उसकी क्या फीचर्स हैं, और जहां पर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहां पर लोगों को किस बात की आजादी रहती है। एंड दूसरा हमें ये भी डिस्कस करना है कि जहां पर जिन एरियाज में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है वहां पर क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो फिलहाल आज ना आपको इस चैप्टर में एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी दी हुई है, तो सबसे पहले हम उस स्टोरी को पढ़ेंगे एंड उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके यस सर, यस यस बेटा, स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस मैम, यस मैम, देखिए दिस चैप्टर इज अबाउट द की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो जहां पर भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, एक गणतांत्रिक सरकार, दैट मींस कि जहां पर डेमोक्रेसी है, जहां पर लोगों को अधिकार है अपना शासन चुनने का, अपने लीडर को चुनने का, तो उन एरियाज में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो लोगों को फैसिलिटी दी जाती है, और जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है वहां के लोगों को किस टाइप की फैसिलिटी नहीं मिल पाती। तो यही हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमें इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट सम ऑफ द की एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि कौन कौन से की एलिमेंट्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो प्रभाव डालते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के काम करने के तरीकों पर। एज दिन इंक्लूड्स पीपल पार्टिसिपेशन, और कैसे यहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन यानी कि उनकी भागीदारी होती है। एंड दिस रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इनइक्वालिटी एंड जस्टिस। तो अब देखिए यहाँ पर रेजोल्यूशन, दैट मीन्स की एक दृढ़ प्रतिज्ञा, कैसे लोग जो है वो अपने शासन के प्रति दृढ़ संकल्प हो जाते हैं, एंड कैसे कभी कभी यहाँ पर कन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, संघर्ष होने लगते हैं, कैसे इक्वालिटी मिलती है लोगों को, कैसे न्याय किया जाता है। तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ओके यस यस मैम, चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक स्टोरी, एंड आप सभी को ध्यान से सुननी है क्योंकि ये जो स्टोरी है ना ये हमारे इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो स्टोरी है महात्मा गांधी जी यहीं पर गए थे और उन्होंने वहां पर ऐसा फील होते हुए देखा, एंड इसी का रिजल्ट था कि यहां पर आने के बाद महात्मा गांधी ने सबसे बड़ा स्टेप लिया था इंडिया को ब्रिटिशर्स से मुक्त कराने का। तो कैसे वो मैम, एक्सक्यूज मी, यस महक मैम, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था मैम वो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था मैम, तो 26 जनवरी 1950 को वो क्यों लागू किया गया था बेटा? इसलिए रोल किया गया था क्योंकि 26 जनवरी 1929 में एक बार तो लाहौर अधिवेशन हुआ था, एंड नेक्स्ट ईयर 26 जनवरी 1930 में लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक मोर्चा छेड़ा था कि आज से हम ब्रिटिशर्स की कोई चीज फॉलो नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि उन्होंने ये कहा था कि आज से हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं और ब्रिटिशर्स की जो भी चीजें है ना उनका बहिष्कार करेंगे, नहीं यूज करेंगे। और इसी के चलते बहुत सारी जगहों पर जो ब्रिटिशर्स की बनाई गई चीजें थी ना उनको जला दिया गया था सड़कों पर। तो यही वो दिन कंसीडर किया जाता है जिस दिन से लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट मानना शुरू किया था, और उसी दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रूल किया गया था। ओके फिलहाल ये yes, 2 महीने पहले बन करके रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 2 महीने वेट इसीलिए किया गया था कि उस दिन को, जो दिन पहले से ही फेमस है, आगे आने वाले टाइम में लोग उसे भूल जाएंगे, तो उसे याद बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए कि आगे आने वाले टाइम में भी लोग उस दिन को याद रखें, और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रूल किया गया था। ओके चले तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये स्टोरी। एंड मैंने आपको बताया है कि ये स्टोरी इसलिए आपको भी ध्यान से सुननी है, इसलिए भी क्योंकि महात्मा गांधी इसी एरिया में गए थे, यहीं से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी, कानून की, और यहाँ पर रहते हुए उन्होंने बहुत सी चीजों को फील किया था। और हमारे देश में जब वो दोबारा वापस कर पढ़ाई करके फिर से आए ना 1927 में,
जब वो फिर से इंडिया आते हैं तो उन्होंने यहाँ पर भी देखा लोगों के साथ बिल्कुल सेम ऐसे बिहेवियर हो रहा है, और इसीलिए उन्होंने कोशिश की कि यहाँ पर मैं सारी चीजों को सॉल्व करूं। और इसलिए जैसे ही महात्मा गांधी का नाम हमारे माइंड में आता है तो यही कहते हैं हम कि सबसे ग्रेट लीडर जिनके थ्रू आज हमें आजादी मिली है। फिलहाल और किसी लीडर को उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है जितनी महात्मा गांधी को दी जाती है ना। यस चलिए तो अभी हमें पढ़ना है, यस स्टोरी सर। स्टार्ट करते हैं हम। तो साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री दैट हैज पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। तो साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां पर अलग अलग तरीके के लोग हैं। चलिए अब अलग अलग तरीके कौन से हैं देखते हैं। तो फिलहाल अमीर गरीब तो सब जगह होते हैं, पढ़े लिखे एंड अनपढ़ भी सब जगह होते हैं। अब यहाँ पर किस तरीके के लोग हैं ये हमें देखना है। तो देर आर ब्लैक पीपल वो बिलोंग टू साउथ अफ्रीका, वाइट वो कम देयर टू सेटल एंड इंडियंस वो कम एज लेबरर्स एंड ट्रेडर्स। तो अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से लोग रहते हैं साउथ अफ्रीका में। एक तो है ब्लैक पीपल वो बिलोंग टू साउथ अफ्रीका, एक है दैट मीन्स कि डार्क स्किन लोग जिनका कलर ब्लैक है काला है, तो ये लोग साउथ अफ्रीका के हैं। और दूसरे रहते हैं व्हाइट गोरे लोग वो कैम देयर टू सेटल, जो यहाँ पर बसने के लिए आ गए दूसरे देश से आए हैं। एंड इसके अलावा और कौन रहता है साउथ अफ्रीका में, एंड इंडियंस वो कैम एज लेबरर्स एंड ट्रेडर्स। एंड दूसरे हैं कुछ भारतीय लोग जो मजदूरी करने की वजह से आए हैं यहाँ पर, या फिर उनको खरीद के लाया गया है मजदूरी करने। तो ये तीन टाइप के लोग रहते हैं। फर्स्ट हैं ब्लैक पर्सन जो कि साउथ अफ्रीका से ही थे, दूसरे हैं गोरे लोग जो दूसरे एरिया से आए हैं, एंड तीसरे हैं इंडियंस जो लेबरर्स हैं जो मजदूर हैं। ओके चलिए तो अब ये तीन अलग अलग तरीके के लोग हैं, तो यहाँ का माहौल कैसा है, क्या यहाँ सभी प्यार से रहते हैं, ये अब हमें आगे की स्टोरी में पढ़ना है। तो देखिए एक स्टोरी है माया की। तो माया नायडू एंड 11 ईयर्स ओल्ड, तो ये 11 साल की बच्ची है, साउथ अफ्रीकन गर्ल, ये साउथ अफ्रीका की है, दैट मीन्स कि ये ब्लैक ही होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के बारे में हमें बताया है कि जो यहाँ पर पहले से जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं वो ब्लैक हैं, बताया है ना। माया नायडू जो कि साउथ अफ्रीका की एक लड़की है, लिविंग इन द टाउन ऑफ जोहान्सबर्ग, ये जोहान्सबर्ग में रहती है, वॉज हेल्पिंग हर मदर क्लियर अप हर ओल्ड बॉक्सेस। तो उसकी मम्मी ने एक पुराना सा बक्सा खोला होगा, बड़ा सा संदूक, और वो उसकी साफ सफाई कर रही है, और जो माया है वो भी उनकी हेल्प करती है उस बड़े से बॉक्स को साफ करने में। चलिए तो अब आगे क्या होता है, सी फाउंड अ स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स एंड न्यूज पेपर आर्टिकल्स। अब क्या होता है, माया जो है वो साफ सफाई करने में हेल्प कर रही है, लेकिन बच्चे साफ सफाई कम करते हैं, चीजों को देखते हैं ये कौन सी चीज है जो मैंने नहीं देखी आज तक। तो मम्मी तो सफाई कर रही है, लेकिन जो लड़की है यानी कि जो माया है वो चीजें ढूंढने में लगी है, कौन कौन सी चीजें हैं जो मम्मी ने इसमें छुपा करके रखी हैं और मैंने नहीं देखी आज तक। तो चलिए अब इसे क्या मिलता है, ढूंढते ढूंढते एक स्क्रैप बुक मिलती है, और स्क्रैप बुक में क्या है, दिस स्क्रैप बुक इज फुल ऑफ पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल। तो न्यूज़पेपर की कटिंग और कुछ फोटोज चिपकाई गई स्क्रैप बुक में, जैसे हम लोग कभी कभार बनाते हैं जो हमें फोटो पसंद आती है उसको काट के रख लेते हैं निकाल के मैगजीन में से, बहुत सारी लड़कियों को एंड बहुत सारे लड़कों को इस टाइप का शौक होता है। चलिए तो ये जो स्क्रैप बुक है इसमें मैगजीन की या न्यूज़पेपर की कटिंग करके लगाई गई है। देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ अ यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 ईयर्स ऑफ एज। तो इस स्क्रैप बुक में बहुत सारी पिक्चर थी एक लड़के की। अब कौन सा लड़का था, ये यंग स्कूल बॉय दैट मीन्स कि एक छोटा सा स्कूल का बच्चा था जिसकी उम्र लगभग 15 ईयर्स रही होगी, 15 साल लगभग। तो इस बच्चे की बहुत सारी फोटो थी इस स्क्रैप बुक में। वेन शी आस्क्ड हर मदर वो द बॉय वाज, अब उसने अपनी मम्मी से क्या पूछा कि मम्मी ये लड़का कौन है जिसकी फोटो है इतनी सारी इस स्क्रैप बुक में। शी वाज टोल्ड दैट ही वाज कॉल्ड हेक्टर पीटरसन। अब उसकी माँ ने उसे उसको क्या बताया कि ये किसकी फोटो है, हेक्टर पीटरसन की। अब हेक्टर पीटरसन कौन था, क्या इनका कोई रिलेटिव था या फिर कोई और था, तो देखिए अब इसके बारे में इसकी माँ ने अभी नाम बताया है, अब आगे क्या बताती है। ही हैड बीन शॉट बाय द पुलिस, माया वाज शॉक्ड व्हाई शी आस्क्ड। अब उसकी माँ ने क्या बताया, ये हेक्टर पीटरसन है जिसे पुलिस ने गोली मार दी थी। ही हैड बीन शॉट बाय द पुलिस, जो पुलिस के द्वारा गोली में बंदूक से मार दिया गया था। माया वाज शॉक्ड, माया हैरान हो जाती है क्यों मार दिया गया वो भी इतने छोटे से बच्चे को जो कि अभी 14-15 साल का ही है।
अब वो बोलती व्हाई, शी आस्क्ड, माया ने पूछा क्यों, मम्मी उसे क्यों मारा था, तो हर मदर एक्सप्लेन दैट। अब उसकी मदर ने एक्सप्लेन करके अब समझाना शुरू किया, तो क्या बताती है उसकी मम्मी, दैट साउथ अफ्रीका वाज अर्लियर गवर्न्ड बाय एपार्थाइड लॉस। एपार्थाइड मींस सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। तो अब देखिए यहाँ पर उसकी माँ जो है वो बताती है कि जो हमारी साउथ अफ्रीका में जो पहले जो गवर्नमेंट चलती थी, आज के टाइम पे बेटा ऐसा नहीं है, लेकिन पहले के टाइम पे जो सरकार थी ना वो अपार्थाइड लॉ पे चलती थी, दैट मीन्स कि सेपरेट लॉ पे, किसी के लिए अलग कानून और किसी के लिए अलग कानून, तो अब अलग अलग नियम बनाए गए थे। जैसे आज के टाइम पे है ना हमारे यहाँ सभी के लिए एक ही लॉ है, सब इक्वल है, सबके साथ इक्वली ट्रीट किया जाता है, लेकिन इसकी माँ क्या बताती है कि बेटा पहले के टाइम पे क्या था ना, सभी के साथ इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता था, अलग अलग लॉ थे, और इसका मतलब क्या होता है अपार्थाइड लॉस, यानी कि अलग अलग कानून बनाए गए थे। अब देखिए आपको इसकी मीनिंग भी दी है, अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, यानी कि कुछ लोगों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना और कुछ को कम इम्पोर्टेंस देना। तो साउथ अफ्रीकन पीपल जो वर डिवाइडेड इंटू व्हाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस। अब साउथ अफ्रीका में लोगों को डिवाइड कर दिया गया था, कुछ व्हाइट लोग थे, कुछ ब्लैक थे, कुछ पीपल मतलब ब्लैक, इंडियन एंड कलर रेसेस, तो यानी कि जो जिनका रंग काला था वो अलग रहते थे, एंड जिनका रंग व्हाइट था, जिनका रंग गोरा था वो अलग रहते थे। चलिए तो अब आगे क्या किया जाता था इनके साथ, अकॉर्डिंग टू लॉ दिस रेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विद ईच अदर, और कानून जो बनाया गया था, जो नियम थे उनकी अकॉर्डिंग ये सारे लोग एक साथ नहीं रह सकते थे। जैसे आज के टाइम पे हम लोग रहते हैं ना सभी एक साथ, अगर आप किसी दूसरे घर में चले जाएं तो वो किसी और फैमिली से होगा, किसी और कल्चर का होगा, किसी और रिलीजन को फॉलो करने वाला होगा, ऐसे ही होता है ना। Yes, लेकिन पहले देखिए साउथ अफ्रीका में क्या बताया है कि ये जो लोग थे ना ब्लैक एंड व्हाइट, इन सभी को एक साथ रहने की इजाजत नहीं थी, एक साथ नहीं रह सकते थे। एंड देखिए इतना ही नहीं, नियर ईच और अदर और इवन टू यूज कॉमन फैसिलिटीज, ये कॉमन फैसिलिटी दैट मीन्स की जो सुविधाएं थी वो भी कॉमन नहीं थी, सभी को अलग अलग सुविधाएं दी गई थी। माया कुड नॉट बिलीव हर इयर्स, माया को अब अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी होता था, क्योंकि माया के टाइम पे दूसरी गवर्नमेंट बन गई है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और अगर हमें कोई ये बताना शुरू करे कि बेटा तुम्हारे यहाँ पर पहले क्या होता था, पहले बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता था। फिलहाल बेटा हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारे इंडिया में भी ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन बनाए गए थे, तो व्हाइट टाउन में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती थी, वहां पर केवल ब्रिटिशर्स रहते थे, एंड जो ब्लैक टाउन था जहां पर झुग्गी झोपड़ी होती थी वहां पर इंडियंस रहते थे, क्योंकि इंडियंस का कलर ब्लैक होता है ब्रिटिशर्स की बजाय। आपने देखा होगा इंग्लैंड और ब्रिटेन के लोगों को गोरे गोरे होते हैं, वो होते हैं ना। यस मैम, हमारे इंडिया में भी जब वो आए थे ना तो अलग रहते थे, ब्लैक टाउन एंड व्हाइट टाउन बना हुआ था अलग अलग। तो देखिए ऐसे ही यहाँ पर भी है, माया को विश्वास नहीं हो रहा है। माया'स मदर साउंडेड एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर अपार्थाइड। अब माया की माँ ने जब बताना शुरू किया ना तो इनको गुस्सा आ जा रहा था। अब गुस्सा क्यों आ रहा था, किसी ने इनके पुराने दुख को छेड़ दिया। अगर हम किसी से पूछना शुरू कर देते हैं ऐसा क्यों हुआ था, और जिस चीज को लेकर के उसने बहुत सारी चीजें झेली हैं, तो अब इसकी माँ जब बताना शुरू करती है, माया की माँ, तो इसको गुस्सा आता है उन लोगों पे कि ऐसा ऐसा हम लोगों ने सहा है। सी टोल्ड माया दैट इन दोज डेज हॉस्पिटल वर सेपरेट एंड सो वर एम्बुलेंस। अब देखिए माया की माँ क्या बताती है कि बेटा उस टाइम पे एम्बुलेंस भी अलग अलग होती थी। एन एम्बुलेंस मीन फॉर व्हाइट पीपल वुड ऑलवेज बी वेल इक्विप्ड, व्हाइल वन मीन फॉर ब्लैक पीपल वाज नॉट। तो अब आगे देखिए इसकी माँ ने क्या बताया, जो एम्बुलेंस आती थी ना हमारे घर पे पेशेंट को लेने के लिए, तो जो एम्बुलेंस व्हाइट पीपल के लिए थी वो हमेशा कैसी होती थी, वेल इक्विप्ड, उसमें हमेशा बहुत सारी सुविधाएं होती थी, बहुत सारी सुविधाएं जो व्हाइट पीपल के लिए होती थी। एंड जो ब्लैक पीपल के लिए होती थी इसमें इस टाइप की कोई फैसिलिटी नहीं होती थी, वो सिंपल सी गाड़ी होती थी। एंड देयर वर सेपरेट ट्रेन एंड बसेस। इसके अलावा इतना ही नहीं, ट्रेन एंड बसेस भी अलग अलग है। जिस बस में ब्लैक लोग जाते हैं वहां पर कोई व्हाइट नहीं जाता था, और जिस बस जो बस व्हाइट लोगों के लिए थी उसमें कोई ब्लैक नहीं चढ़ सकता था, ब्लैक पर्सन। इवन बस स्टॉप वर डिफरेंट। देखिए जो बस स्टॉप है, बस स्टैंड, ये भी अलग अलग थे ब्लैक एंड व्हाइट पीपल के लिए।
नॉन वाइट वर नॉट अलाउड टू वोट. अब देखिए इतना ही नहीं, अभी तो हद हो गई है. नॉन वाइट पर्सन जो ब्लैक लोग थे, इनको वोट डालने भी नहीं दिया जाता था. यानी कि जो गवर्नमेंट चुनी जाएगी इसमें इनका कोई हक होता ही नहीं. द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल. और इस हमारे पूरे देश में जो सबसे अच्छी जमीन थी वहां पर कौन रहता था? वाइट पीपल. वो वाइट पीपल के लिए रिजर्व थी. एंड नॉन वाइट हैड टू लिव ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड. और जो खराब सी जमीन होती थी, ऊबड़ खाबड़ जमीन, वहां पर कौन रहता था? ब्लैक पर्सन. जस्ट ब्लैक एंड कलर्ड पीपल वर नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू वाइट. तो अब जो ब्लैक पीपल थे उनको किसी भी तरीके से व्हाइट पीपल के इक्वल नहीं माना जाता था. यस मैम। चलिए, तो अभी फिलहाल इसकी मम्मी ने इतनी सारी कहानी सुना दी, लेकिन जो माया ने स्टार्टिंग में पूछा था हेक्टर पीटरसन के बारे में, अभी तक इसके बारे में नहीं बताया इसकी माँ ने कुछ. मैम एक्सक्यूज मी यस सिद्धात्री. मैम सिविक्स की बुक है? मैम यस, ये सिविक्स की बुक है. हिस्ट्री निकाले थे। बेटा सिविक्स है, आप देखिए सिविक्स में होगा आपका ये चैप्टर. चलिए, तो अभी तक अब हमें पढ़ना है हेक्टर पीटरसन के बारे में. यस मैम है, सिविक्स में है। चलिए, वेरी गुड सिद्धार्थी. तो देखिए, अब हमें हेक्टर पीटरसन के बारे में पढ़ना है. तो वन ब्लैक टाउनशिप वॉज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप सुवेटो. तो एक काले लोगों का ही एक टाउनशिप है, एक शहर है साउथ वेस्टर्न टाउनशिप में, यानी कि साउथ अफ्रीका के दक्षिण पार्ट में, जिसका नाम है सुवेटो. ये एक छोटा सा कस्बा है. हेक्टर पीटरसन यहीं रहता था. तो हेक्टर पीटरसन लिव्ड हियर एंड ही हैंड हिज क्लासमेट जॉइन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट लर्निंग द अफ्रीकन लैंग्वेज इन स्कूल. तो अब देखिए, ये सुवेटो के एक छोटे से शहर में रहता था हेक्टर पीटरसन. अब हेक्टर पीटरसन जो है जिस स्कूल में जाता था वहां पर उस स्कूल में अफ्रीकन लैंग्वेज सीखना कंपलसरी था. यानी कि सभी बच्चों को जबरदस्ती अफ्रीकन सिखाई जाएगी. अगर अफ्रीकन नहीं पढ़नी तो स्कूल छोड़ के चले जाओ. चलिए, तो अब आगे क्या है. हेक्टर पीटरसन को, जो हेक्टर पीटरसन थे और इनके क्लासमेट, इनके कुछ दोस्त जो ब्लैक ही रहे होंगे, इन्होंने प्रोटेस्ट किया. दैट मीन्स कि उसके खिलाफ खड़े हो गए, अगेंस्ट खड़े हो गए. ये अफ्रीकन नहीं सीखना चाहते थे. दिस बेटा अरुण, माइक ऑफ करना है आपको, आपके यहां से आवाज आ रही है रिपीट होकर के. तो यस मैम। दिस वाज द लैंग्वेज दैट द वाइट स्पोक. अभी अफ्रीकन वो लैंग्वेज थी जो गोरे लोग बोलते थे, व्हाइट पर्सन बोलते थे वहां के. तो हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट्स वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज. जो हेक्टर एंड जो बाकी जो स्कूल के बच्चे थे जो ब्लैक थे, जो व्हाइट नहीं थे, उन्हें जबरदस्ती इसी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए फोर्स किया जा रहा था. दैट मीन्स कि उन्हें जबरदस्ती कहा जा रहा था तुम भी अफ्रीकन सीखो. लेकिन ये लोग नहीं सीखना चाहते थे. बट दे वॉन्टेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज जुलू. ये अपनी खुद की भाषा सीखना चाहते थे जुलू. दैट मीन्स कि जहां पर जो इनके एरिया में जो इनकी भाषा रही होगी जुलू, ये उसे सीखना चाहते थे. ये अफ्रीकन नहीं सीखना चाहते थे. द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप. अब जो इन्होंने दैट मीन्स कि बहुत सारे क्लासमेट जो हैं वो खड़े हो गए. उन्होंने कहा हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम अफ्रीकन नहीं सीखेंगे, हमें अपनी लैंग्वेज सीखनी है. और जितने बच्चे ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि हम अफ्रीकन लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, तो इनके साथ क्या किया गया? साउथ अफ्रीका की जो पुलिस थी, इन्होंने क्या किया? दे बीट अप एंड द प्रोटेस्टर्स मर्सीलेसली एंड शॉट एट द क्राउड. साउथ अफ्रीका की पुलिस ने इनको बहुत ही मर्सीलेसली, दैट मीन्स की निर्दयता से, बहुत बुरी तरीके से पहले इनकी पिटाई की एंड शॉट एट द क्राउड. और उसके बाद जो ग्रुप था इन बच्चों का उस पे शूट आउट कर दिया, गोली चला दी. और इसी में ये बच्चा मर गया था. चलिए, तो ऑन द बुलेट किल्ड हेक्टर. दिस वाज ऑन 16 जून 1976. तो अब इसकी माँ ने क्या बताया कि उसी क्राउड में, उसी भीड़ में एक बुलेट से हेक्टर पीटरसन की डेथ हो गई थी 16 जून 1976 को. चलिए, तो अभी इसकी जो माँ है वो सारी स्टोरीज को सुना रही है. और हेक्टर पीटरसन हो सकता है इनके किसी ग्रुप का ही रहा हो, इनके आसपास का, इसीलिए इसने इतनी सारी फोटो लगाई हुई है उसकी. चलिए, तो क्या अफ्रीका में ऐसा ही रहा था? हमारे गांधी जी भी तो यहाँ पर पढ़ने गए थे.
अब गांधी जी ने क्या देखा था वहां पर? फिलहाल हमारा जो देखिए हमारा इंडिया जो है वो तो इनसे पहले ही आजाद हो चुका है 1947 में, और यस इसमें तो ये वाली कंडीशन मैम, बहुत दिनों तक है। चलिए तो अभी हम आगे देखते हैं। यस, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अ ग्रुप ऑफ पीपल वु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेट एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर नेल्सन मंडेला फाउंड देयर अपार्थेट सिस्टम फॉर सेवरल इयर्स। तो देखिए अब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यहाँ पर अफ्रीका में जो एक कमेटी है, एक जो पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसमें ब्लैक पीपल सभी एक साथ इकट्ठा हुए और इन्होंने स्ट्रगल किया, बहुत ही संघर्ष झेला अपार्थेड के खिलाफ, यानी कि 1976 से 1976 में और उससे पहले भी ये सारे लोग बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे। और लास्ट में ये सभी लोग एक साथ इकट्ठा हुए, इन्होंने स्ट्रगल किया और इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम दूसरे देश में चले जाएंगे, हम आपकी किसी चीजों को फॉलो नहीं करेंगे। एंड बहुत सारा स्ट्रगल किया, बहुत लड़ाइयां भी हुई, एंड इसका रिजल्ट क्या रहा लास्ट में, नेल्सन मंडेला फाउंड द अपार्थाइड सिस्टम। इन्होंने भी लड़ाई की फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों तक, एंड फाइनली दे सक्सीड, और अंत में इन्हें सफलता मिली। एंड इन 1994 साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और उसके बाद 1994 में साउथ अफ्रीका भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, यानी कि अब इन लोगों को भी यहां पर वोट डालने का अधिकार मिल गया, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों को ही, तो अब दोनों वोट डाल सकते हैं। और आपको आप ये चीज देखिए, यहाँ पर जो रिजल्ट रहा वो इतना अच्छा रहा कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी बनने के बाद जो सबसे पहला जो नेता बना था वो थे नेल्सन मंडेला, जो खुद भी एक ब्लैक थे। तो इनका स्ट्रगल होता रहा एंड 1994 में ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना, और जब डेमोक्रेटिक कंट्री ये बन गया तब यहाँ पर जो सबसे पहले जो लीडर चुने गए थे वो थे नेल्सन मंडेला, और इसका मतलब ये है कि वहां पर ब्लैक पर्सन की संख्या ज्यादा थी, यही पता चलता है ना हमें, क्योंकि जो व्हाइट पर्सन है उन्होंने तो नेल्सन मंडेला को नहीं चुना होगा, तो यानी कि यहाँ पर जो ज्यादा जनता थी वो थी ब्लैक पर्सन, और इसलिए ही नेल्सन मंडेला पहले लीडर बने थे, और नेल्सन मंडेला खुद भी एक ब्लैक पर्सन थे, तो ये 1994 में सबसे पहले लीडर बने थे, वहां के सबसे पहले प्रधानमंत्री। चलिए तो अब देखिए, अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गया है और इसके बाद से साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया है, इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वर कंसीडर्ड इक्वल। अब यहाँ पर सभी लोगों को, चाहे वो ब्लैक हो चाहे व्हाइट हो चाहे कैसे भी हो, सभी को इक्वल कंसीडर किया जाने लगा। ओके चलिए अब नेक्स्ट है, लेट अस नाउ ट्राई। अब हमें नेक्स्ट बेटा, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग पार्टिसिपेशन एंड अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन। तो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन कैसे होता है हम लोग का, कैसे हम लोगों की भागीदारी होती है, एंड दूसरा है अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ओके यस मैम। एंड आपको पता है हमारे यहाँ भी बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं डेमोक्रेसी को लेकर के, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए। फिलहाल ब्रिटिशर्स के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, चलिए तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा बाकी का टॉपिक, यानी कि नेक्स्ट क्लास में अब हमें पढ़ना है पार्टिसिपेशन एंड अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, ये दोनों टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अब। ओके अब आज का होमवर्क देखिए आप सभी को क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे सभी। अभी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं कि कैसे कैसे साउथ अफ्रीका में ब्लैक एंड व्हाइट पर्सन के साथ इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता था। तो देखिए आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वर हेक्टर एंड हिज क्लासमेट प्रोटेस्टिंग अबाउट। तो हेक्टर एंड उसके जो क्लासमेट थे वो किस चीज के लिए विरोध कर रहे थे? लैंग्वेज के लिए। यस, लैंग्वेज के लिए। तो ये किस लिए कर रहे थे देखिए हमें बताया हुआ है, हेक्टर पीटरसन, यस इसके बारे में यही दिया था। यस,
तो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे ये लोग? यहाँ पर इनको जबरदस्ती अफ्रीकन लैंग्वेज सिखाई जा रही थी, एंड इनकी जो खुद की लैंग्वेज थी वो क्या थी? जुलू. और ये लोग अफ्रीकन नहीं सीखना चाहते थे, दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज जुलू, और इसीलिए इन्होंने क्या किया था? प्रोटेस्ट किया था. तो देखिए इसमें आंसर में क्या लिखना है आपको, द हेक्टर एंड हिज क्लार्कमेंस प्रोटेस्टिंग अबाउट अफ्रीकन लैंग्वेज. ये किसके खिलाफ विरोध कर रहे थे? अफ्रीकन लैंग्वेज के खिलाफ. ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे इसमें हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको करना है, तो लिस्ट 5 वेज इन विच द नॉन व्हाइट वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. आपको 5 ऐसे तरीके बताने हैं जहां पर ब्लैक एंड व्हाइट दोनों पर्सन के बीच में भेदभाव किया जाता था. चलिए तो अभी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, कहां कहां पर भेदभाव होता था. यस यस चलिए मैम अरुण सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे बेटा, कहाँ कहाँ पर यस भेदभाव मैम किया जाता था, किन किन चीजों में? मैम ब्लैक मैन में बेटा आपको यही बताना है कि ब्लैक एंड व्हाइट लोगों में किस टाइप का भेदभाव किया जाता था, यानी कि व्हाइट लोगों को क्या अच्छी चीजें दी गई थी एंड ब्लैक को वो चीजें नहीं दी गई थी. मैम लैंग्वेज के लिए मैम भेदभाव होता यस एक तो लैंग्वेज के लिए जो व्हाइट पर्सन थे उनकी अफ्रीकन जो लैंग्वेज थी वही वो ब्लैक पर्सन को भी सिखाना चाहते थे स्कूल में. यस सिद्धार्थी नाउ यू टेल बेटा और था मैम वोटिंग के लिए, मैम वोटिंग के लिए यस महक नाउ यू टेल. मैम एम्बुलेंस एंड हॉस्पिटल. एम्बुलेंस एंड हॉस्पिटल में भी भेदभाव किया जाता था. यस प्रिया नाउ यू टेल बेटा. मैम जहाँ पर बस और ट्रेन होती थी मैम वहां पर भेदभाव किया जाता था जाने यस तो ट्रेन भी अलग होती थी के एंड बस स्टैंड भी अलग होते थे इन लोगों के. चलिए तो इसमें आपको लिए. 5 पॉइंट्स बताने हैं, तो आप इसमें से 5 पॉइंट लिख सकते हैं. देखिए इसकी माने कहाँ से स्टार्ट की है. यस यहाँ से. तो देखिए सबसे पहले तो हॉस्पिटल वर सेपरेट फॉर हॉस्पिटल फॉर सेपरेट फॉर द नॉन व्हाइट पीपल एंड व्हाइट पीपल. एंड इसके अलावा एम्बुलेंस जो होती थी, द एम्बुलेंस ऑफ व्हाइट पीपल वुड ऑलवेज बी वेल इक्विप्ड व्हाइल जो वन मीन्ट फॉर ब्लैक पीपल वॉज नॉट. तो जो एम्बुलेंस जो व्हाइट पीपल के लिए होती थी वो हमेशा वेल इक्विप्ड होती थी, उसमें हमेशा उपकरण रखे होते थे, सुविधाएं होती थी. एंड जो ब्लैक के लिए होती थी पीपल वॉज नॉट, जो ब्लैक पर्सन थे इनके लिए नहीं होती थी. तो हमारा 2 पॉइंट तो यहीं पर हो जाता है, एक हॉस्पिटल एंड एक एम्बुलेंस वाला. एंड इसके अलावा यस थर्ड दिया देखिए हमें, देयर वर सेपरेट ट्रेन एंड बसेस फॉर व्हाइट एंड नॉन व्हाइट पीपल. सब इन सभी के लिए बस एंड ट्रेन भी अलग अलग थी. एंड दूसरा, नॉन व्हाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट. जो नॉन व्हाइट थे ये वोट भी नहीं डाल सकते थे, तो दे वर नॉट अलाउड टू वोट, ये वोट नहीं डाल सकते थे. एंड इसके अलावा और क्या दिया हुआ है हमें, यस ये देखिए, द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व फॉर व्हाइट पीपल. जो पूरी कंट्री में जो सबसे अच्छी जमीन होती थी वो किसको दे दी जाती थी? व्हाइट पीपल को. एंड वाइट पीपल जो नॉन व्हाइट होते थे हैड टू लिव ऑन द रॉस्ट अवेलेबल लैंड. जो खराब सी जमीन होती थी वो किसको दे दी जाती थी? नॉन व्हाइट मैम पीपल. ब्लैक पीपल यस तो आप लिख सकते हैं इसमें, आपको 5 पॉइंट लिखने हैं. ओके यस यस चलिए तो मैम बेटा ये कोई डाउट नो मैम कर लेंगे सभी? या मैम यस हिस्ट्री का क्वेश्चन दे दीजिएगा. बेटा हिस्ट्री का मैं अभी अभी सेंड करता हूँ आपको तुरंत ही, एंड आज का ये मैम क्वेश्चन हिस्ट्री को सेंड अभी करता थर्ड हूँ. चैप्टर की पर मीटिंग नहीं सेंड हुई है हिस्ट्री की मैम, हिस्ट्री की सिविक्स की मैम, सिविक्स यस मैम. तो मैम अभी क्वेश्चन आंसर नहीं लिखे हैं थर्ड चैप्टर का. ओके बेटा तो फिलहाल आपको जो भी नहीं सेंड किया ना आप मैसेज कर दिया कीजिए, वर्ड मीनिंग मैंने आपकी पूरी बुक की लिख दी है एक साथ ही, सिविक्स के भी सारे चैप्टर, हिस्ट्री के भी. तो आपको जो भी चाहिए हो आप उसका मैसेज कर दिया कीजिए. ओके यस मैम.
मैंने आपकी पूरी बुक की एक साथ ही लिखी है, पूरी वर्ड मीनिंग, तो आपको जिसकी भी चाहिए आप मांग लिया। फिलहाल ऐसा नहीं करना है कि अभी आप पढ़ रहे हैं 4 चैप्टर और मांग ले 5 फ्री, ऐसा नहीं करना है। तो जिस जिसकी आप लोग पढ़ चुके हैं जो चैप्टर, और जिसकी वो कैबरी आपके पास नहीं है, उसके ऊपर मैसेज कर देंगे मुझे। ओके यस यस मैम। चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है पार्टिसिपेशन, यानी लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे होता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। ओके यस यस बाय। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय।